नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में एक्शन। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताया था कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसमें जीएसटी वैल्यू इंक्लूड है, उस जीएसटी अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया। इस वीडियो को कम से कम 1 लाख से ज्यादा ही लोगों ने देखा, लेकिन उनमें से कुछ मेरे ऐसे यूजर हैं जिन्होंने फॉर्मूला को लेकर के कुछ सवाल खड़े किए थे कि ये किस तरह से हो सकता है, 18% ऐसे नहीं निकलेगा, वैसे नहीं होगा। तो कुछ चीजें इस तरह की मेरे सामने आई है कमेंट, मैं उस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ और फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसी शर्ट परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 2800 है सपोज, और इस शर्ट में सपोज 12% आपने जीएसटी पे किया था, तो वो 12% अमाउंट इस शर्ट के अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब इस शर्ट की वैल्यू के दो पार्ट होंगे, पहला जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, दूसरा जो जीएसटी अमाउंट है, वो दोनों को मिलाकर के ये 2800 रुपए बना है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि वो 12% जीएसटी वैल्यू क्या है और उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है यानी कि ओरिजिनल बिलिंग वैल्यू क्या है, सेल्स वैल्यू। तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया था वो मैंने ये दिया था कि अगर मुझे वो जीएसटी अमाउंट निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, जीएसटी पार्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया था कि यानी कि ये वाली टोटल वैल्यू इनटू ये 12% डिवाइड बाई 1+12%। जैसे मैं करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2800 में और 300 वो जीएसटी पार्ट है और बिलिंग वैल्यू यानी कि सेल्स वैल्यू क्या है इसकी, सेल्स पार्ट क्या हुआ, वो हुआ ये वाली वैल्यू और डिवाइड बाई 1+ ये 12%। जैसे करूंगा तो ये 2500 रुपए इसकी एक्चुअली शर्ट की वैल्यू थी, 300 रुपए जीएसटी अमाउंट था, टोटल मिलाकर के ये बनेगा आपका 2800। इसी चीज को लेकर के मैंने ये इस तरह से वीडियो पहले डाला था, इसको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कुछ सेल्स वैल्यू इस तरह से है और इन पे अलग अलग जीएसटी अमाउंट इस तरह से लगे हुए हैं, तो ये जीएसटी अमाउंट की वैल्यू जीएसटी अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इनटू 18%, सो दिस इज योर जीएसटी वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवॉइस की टोटल वैल्यू, ये जीएसटी वैल्यू प्लस सेल्स वैल्यू, तो ये मिलाकर के टोटल सेल्स वैल्यू यानी टोटल इनवॉइस वैल्यू इस तरह से बन जाएगी। अब इसी चीज को लेकर के अब इस शीट में आते हैं जहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, यानी कि इस टोटल इनवॉइस वैल्यू का ब्रेकअप लेकर के आऊंगा मैं, यानी जीएसटी अमाउंट कितना था, सेल्स अमाउंट कितना, वो कैसे फॉर्मूला से निकलेगा यहाँ पे आधार। सपोज टोटल इनवॉइस वैल्यू ये है, इतना मेरा जीएसटी अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं इसको जब अलग अलग इसकी कैलकुलेट करूंगा, यानी इसका ब्रेकअप अगर मेरे को चाहिए, यानी कि सेल्स वैल्यू क्या है इसकी और जो जीएसटी इंक्लूड है वो कैसे इसको अलग अलग करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला अगेन वही जो मैं पीछे बता के आया हूँ, ये डिवाइड बाई 1+1+ ये टैक्स रेट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये पूरा इस तरह से मेरी ओरिजिनल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। और इसका जीएसटी पार्ट कितना हो जाएगा, जीएसटी पार्ट दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, फिर से ये वही फॉर्मूला बता रहा हूँ जो मैंने शॉर्ट में दिया था। जीएसटी वैल्यू इस इनवॉइस के अंदर कितनी इंक्लूड है, उस जीएसटी वैल्यू को निकालना है मेरे को, तो ये टोटल इनवॉइस वैल्यू इनटू जीएसटी रेट डिवाइड बाई 1+ अगेन ये जीएसटी रेट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये जीएसटी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब टोटल करेंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, जैसे ही इन दोनों को टोटल करेंगे तो अगेन फिर से ये इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये इनवॉइस वैल्यू का जो ब्रेकअप है वो ये है, इन दोनों का टोटल जो है वो ये है। इस तरह से ये मैंने फॉर्मूला समझाया था, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह का कंफ्यूजन रहा होगा, तो इसको दोबारा से डिटेल में देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं इवन, अगर कोई ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ कि जिससे कि कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन फॉर्मूला से रिलेटेड ना हो। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।